मध्य प्रदेश सरकार ने अवैध रेत खनन और उसके परिवहन पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। मुख्यमंत्री ने खनिज अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रदेश में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए आधुनिक तकनीक विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का व्यापक उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उनका कहना था कि प्रदेश की GDP में खनिज संसाधन एक अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए खनन गतिविधियों को व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि यदि जरूरी हो तो पुरानी और अप्रासंगिक खनिज नियमों में संशोधन किया जाए ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि खनिज उत्खनन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश उड़ीसा की नीतियों का अध्ययन कर सकता है, जो खनिज राजस्व में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री ने पत्थरों से निर्मित एम सैंड को प्रोत्साहित करने की बात की। उन्होंने निर्देश दिया कि रेत की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए मशीनीकृत प्रक्रियाएं अपनाई जाएं, जिससे आम लोगों को किफायती दरों पर रेत मिल सके। इसके साथ ही रेडी मिक्स कंक्रीट को प्रोत्साहन देने की नीति बनाने का आदेश भी दिया गया, जिससे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय की बचत हो। मुख्यमंत्री ने खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया, खासकर स्थानीय युवाओं को उद्यमशीलता के माध्यम से MSME इकाइयों से जोड़ने की अपील की। इससे न केवल स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि निर्माण कार्यों में सुधार और संसाधनों का सही उपयोग भी हो सकेगा। अंत में उन्होंने यह भी घोषणा की कि भोपाल में 14 और 15 अक्टूबर को माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत सरकार सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खनन कंपनियां, विशेषज्ञ और विभिन्न राज्यों के अधिकारी भाग लेंगे। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य प्रदेश में खनिज गतिविधियों और निवेश को बढ़ावा देना है।